नाजरीन, ड्रामा मायरी की कहानी बचपन की शादी और इससे मुंसलिक हकीकतों और मसाइल का सामना करने पर मुश्तमिल है, जिसमें मरकजी किरदार आइना आसिफ अदा कर रही हैं। जबकि ड्रामे की बढ़ती हुई एक साथ में आइना आसिफ को हामला दिखाया गया है। गुज़श्ता एक साथ में दिखाया गया है कि आइना आसिफ घर के ममूल का कामकाज निपटा रही होती है कि अचानक से बेहोश हो जाती है। इनकी अचानक बेहोशी पर इनके कम उम्र शोहर समेत सभी परेशान हो जाते हैं। जब इनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो इनकी डॉक्टर इनके हामला होने की खबर देती है और साथ ही कम उम्र की शादी पर बेनुक्त सुना देती है। आइना आसिफ के ड्रामे में हामला होने पर सार्फिन की जानिब से तनकीद का सामना है। कुछ सार्फिन का कहना है कि बचपन की शादी तक तो ठीक था, लेकिन यह हामला होने और बच्चा पैदा करने वाले सीन्स ड्रामे को हद से बढ़ा रहे हैं। जबकि कुछ सार्फिन का कहना है कि शादी कम उम्र में हो या मुनासिब उम्र में, बच्चे का पैदा होना एक कुदरती अमल है। जबकि कुछ सार्फिन ने तो यहाँ तक कह दिया कि आइना आसिफ के माँ बाप ने उन्हें यह किरदार अदा करने की इजाजत कैसे दे दी। आने वाली नई एक साथ में दिखाया गया है कि एनी के यहाँ बेटी की पैदाइश होती है, जबकि छोटी सी उम्र में बेटी को संभालना, घर का काम करना और साथ ही अपनी पढ़ाई भी जारी रखना उसके लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा है और वो हाल से बेहाल दिखाई दे रही है। इसी वजह से अपनी कम उम्र बहन की शादी करवाने के लिए ढाल बनकर खड़ी है। नाज़रीन, ड्रामा मायरी सिर्फ कम उम्र की शादी पर ही मुश्तमिल नहीं, बल्कि इसमें नौजवान शोहरों के लिए अपनी बीवियों का ख्याल रखने, उनकी हिफाजत करने और नौजवान लड़कियों के लिए अपने शोहरों का साथ देने का भी सबक मौजूद है। ड्रामे को चाहे तनकीद का सामना हो या तारीफ का, हर नई आने वाले केस के साथ ड्रामे समेत इसमें मौजूद किरदारों की मकबूलियत बढ़ती ही जा रही है। सार्फिन का कहना है कि रवायती प्यार मोहब्बत की कहानियों से हटकर इस तरह के माशर्ती हकीकतों पर मबनी ड्रामे को फरोग मिलना चाहिए। आपकी इस ड्रामे के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और अगर आपको हमारा तबसरा अच्छा लगा तो हमारे चैनल तबसरे बाजी को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।